हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आबिद एके एंड वेलकम टू टेक्सोर। ओके, तो अगर अपने फोन में आप ओटीजी के थ्रू यहां पर माउस कनेक्ट करते हैं अपने फोन में और वो कनेक्ट नहीं होता है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है कनेक्शन में, ओटीजी के थ्रू वो कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो हो सकता है वो सेटिंग्स रिलेटेड इशू हो या सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिलेटेड इशू हो। ठीक है, तो हम सबसे पहले कुछ सेटिंग्स गलत हो गई होगी तो हम वहाँ पर जाते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको जनरल मैनेजमेंट में यहाँ पर जाना है और यहाँ आप रीसेट का ऑप्शन देख पाएंगे। ये रीसेट सेटिंग्स आपको यहाँ पर नज़र आ जाता है। यहाँ पे आपका कोई भी डेटा डिलीट नहीं होने वाला है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, दिस विल रीसेट ऑल द सेटिंग्स ऑन योर फोन एक्सेप्ट सिक्योरिटी सेटिंग, लैंग्वेज सेटिंग, अकाउंट्स, पर्सनल डेटा सेटिंग्स फॉर डाउनलोड एप्स, रीसेट सेटिंग्स। ठीक है, यहाँ पे रीसेट सेटिंग्स आप कर दीजिए, डरिए मत। मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसे ऑलरेडी करा हुआ है, आप बिना डरे कीजिए, कोई डेटा डिलीट नहीं होगा। यहाँ आपको बैक आ जाना है। अब यहाँ पर आप देखिए, ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इशू कोई भी होगा तो ऐसे सॉल्व हो, लेकिन अगर आपका माउस हार्डवेयर से रिलेटेड इशू है, वो डैमेज हो गया है, उसमें पानी चला गया है या फिर वो गिर गया था, कुछ भी प्रॉब्लम आ गई हो, उसमें कचरा अगर जमा हो गया है तो आप उसे साफ़ करा सकते हैं, और कुछ गिर गया है तो उसे आप रिपेयर करा सकते हैं कंप्यूटर की शॉप में। उसमें ज़्यादा खर्चा आना तो नहीं चाहिए, लेकिन शायद 150 ले लें, इससे अच्छा आप इसे न्यू ही खरीद लें तो बेस्ट होगा। 300 रुपये में, 400 रुपये में अच्छे से अच्छा आ जाता है। ठीक है, अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो पसंद आई हो तो टेक्सोर को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।